हाय, मैं हूँ तुषा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। हर रोज बॉलीवुड में कोई ना कोई खबर आती रहती है और हर रोज कोई ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हेडलाइंस में अपनी जगह बना ही देता है। ऐसे में आम लोगों को उन खबरों का ट्रैक रखना मुश्किल पड़ जाता है, तो इसी वजह से हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे इस वीडियो में 10 मिनट में 10 बॉलीवुड की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जिससे आप पता लगा सकते हैं बॉलीवुड में क्या गर्मा गर्म मामला चल रहा है और आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर अब कौन सी हेडलाइंस में आ चुके हैं और किस एक्टर का चल रहा है किस एक्टर के साथ अफेयर और बॉलीवुड में अगली शादी होंगी किसकी और कौन सी पिक्चर पे लग चुकी है रोक और कौन सी पिक्चर को लोग ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसी बॉलीवुड की सारी खबरें हम आपको देंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चालू करते हैं बॉलीवुड की 10 बिग ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ 10 मिनट्स में। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। बॉलीवुड की 10 बिग ब्रेकिंग हाईलाइट न्यूज ये है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जो जल्द ही शादी करने वाली है अमेरिकन सिंगर निक जोनस से, वो अपने शादी के दिन के शाम तक करने वाली है काम। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी अगली पिक्चर द स्काई इज पिंक की शूटिंग करने वाली है अपनी शादी के दिन की शाम तक। और ये खबर सीधा सीधा बताया है सिद्धार्थ रॉय कपूर ने, जो ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बैनर रॉय कपूर फिल्म्स के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका एक वंडरफुल इंसान है और वो अपने काम को लेके इतनी प्रोफेशनल है कि वो अपनी शादी के दिन भी करेंगी काम हमारे साथ। सिद्धार्थ रॉय कपूर की ये पिक्चर द स्काई इज पिंक डायरेक्ट की है सोनाली बोस ने और साथ ही साथ इस पिक्चर में प्रियंका चोपड़ा के साथ है फरहान अख्तर और ये पिक्चर शूट हो रही है दिल्ली में। और जब आगे कपूर को ये पूछा गया कि क्या वो जोधपुर में प्रियंका और निक की वेडिंग में जाएंगे, तो कपूर ने ये कहा कि ये सब बारे में चीजें होने के बाद ही बात किया जाता है और पहले नहीं। और जब सिद्धार्थ रॉय कपूर को ये पूछा गया कि क्या प्रियंका अपनी शादी के बाद तुरंत ही वापस शूटिंग पे आ जाएंगे, तब उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ दिन और मुंबई में शूट करना है और फिर कुछ दिन अंडमान में और ये शूटिंग्स होंगी दिसंबर और जनवरी के बीच में। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी 9th बॉलीवुड हाईलाइट के बारे में, जो है एक्टर आयुष्मान खुराना के बारे में कि किस तरह से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस कर रहे हैं। अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये साल आयुष्मान खुराना का रहा। उनकी दो पिक्चर बैक टू बैक अंधाधुन और बधाईयों बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही अच्छा करी है। पर बात करें अगर आयुष्मान खुराना की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उनकी बीवी ताहिरा कश्यप को ब्रेस्ट कैंसर है और वो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रही हैं। ताहिरा कश्यप ने सितंबर 22 को अपने सोशल मीडिया पर यानी कि उनके इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट करते हुए सबको बताया कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। और जब यही सवाल आयुष्मान खुराना को पूछा गया कि किस तरह से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और मुझे अब समझ में आ गया है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है, तुमको अपनी लाइफ के इम्परफेक्शन भी सेलिब्रेट करने चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ में हमेशा कोई ना कोई तकलीफ तो रहेगी ही। लाइफ कभी भी हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकती है और हम लोगों के हिसाब से ये एक स्मॉल इम्परफेक्शन है जिसे हम एज इट इज ले रहे हैं। आगे आयुष्मान खुराना ने ये भी बताया कि उनकी दो बैक टू बैक फिल्म आई है और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है इस फिल्म में और वो खुद बहुत ही ज्यादा खुश और चौंक गए हैं कि किस तरह से सब इतनी खूबसूरती से और इतने जल्दी से अच्छा हो गया है। लाइफ एक बहुत ही अच्छी लेवलर है। और हम आपको ये बात बता दें कि इस साल करवा चौथ पर आयुष्मान खुराना ने भी अपनी बीवी के लिए उपवास रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि उनकी बीवी ताहिरा है जो बहुत ही ज्यादा ब्रेव स्ट्रॉन्ग और एक इंस्पिरेशन है उनके लिए और मैं अपनी बीवी ताहिरा को अपना टाइम पूरा पूरा दे रहा था। सुबह मैं अपनी मूवी प्रमोशन के लिए जाता था तो रात में अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल में रहता था, हालांकि ये चीज आसान नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी बॉलीवुड की 8 बिग हाईलाइट के बारे में। रणवीर सिंह ने एक रोमांस वीडियो शेयर किया है सिम्बा पिक्चर के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के लिए। न्यूली वेड रणवीर सिंह एक बहुत ही बिजी मैन है जिन्हें अपनी शादी के और दो वेडिंग रिसेप्शन होस्ट करने हैं, पर रणवीर सिंह अपनी शादी की रस्मों में चाहे कितना भी बिजी हो पर वो एक प्रोफेशनल आदमी है और अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी करते हैं। और अब रणवीर सिंह ने अपनी पिक्चर सिम्बा के ट्रेलर रिलीज के कुछ दिन पहले ही थैंक किया सिम्बा पिक्चर के डायरेक्टर रोहित शेट्टी को एक वीडियो शेयर करते हुए, जिस वीडियो पे उन्होंने कैप्शन किया है कि भाई इज भाई लव यू और टैग किया है रोहित शेट्टी को, सिम्बा फिल्म को, करण जौहर को, सारा अली खान को और सोनू सूद को भी। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रणवीर सिंह
ने एक फॉर्मल ब्राउन कलर का शर्ट पहना है और ब्लैक कलर के ट्राउजर्स भी पहने हैं और अपनी स्पीच चालू करते हैं ये बोलते हुए कि आई हेट मेकिंग स्पीचेस ऑन ओकेजंस लाइक अ फिल्म्स रैप अप बट टुडे इज द टुडे टू से समथिंग। और फिर इस पिक्चर के डायरेक्टर रोहित शेट्टी के लिए ये कहते हैं कि आई हैव बीन सर्स फैन सिंस लॉन्ग अगो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक इफ आई विल एवर गेट टू डू दिस एंड गॉट दिस अपॉर्चुनिटी माई एक्सपीरियंस आर 1000 times ऑफ व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। इसी तरह से रणवीर सिंह इस वीडियो में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो सिम्बा टीम को और खास करके रोहित शेट्टी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और इन सबको थैंक यू भी कहते हैं। इस वीडियो में हमको फिल्म की कुछ ग्लिम्स भी दिखाई दी। इस फिल्म की शूटिंग हाल ही में खत्म हुई है 7 नवंबर को। सिम्बा पिक्चर में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान भी है फीमेल लीड में जो अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी केदारनाथ से 7 दिसंबर को। और हाल ही में सारा अली खान ने भी एक फोटो शेयर करी थी और कैप्शन में डाला था एंड दैट्स अ पिक्चर्स रैप। और इसके बाद उन्होंने आगे भी बहुत कुछ लिखा है रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को थैंक यू कहते हुए। सिम्बा पिक्चर आने वाली है थिएटर्स में 28 दिसंबर को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी बॉलीवुड की 7th big highlight पर। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा का हाल ही में 9th wedding anniversary थी और ये दोनों अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए गए थे ट्रॉपिकल आइलैंड मालदीव्स पर और इन दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज भी शेयर करी। इसे देखकर इंस्टाग्राम पर सभी लोगों को कपल गोल्स मिल चुके हैं और साथ ही साथ शिल्पा शेट्टी ने अपनी खुद की भी फोटो शेयर करी जिसमें वो काफी हॉट और सिजलिंग दिखाई दे रही हैं। और इतना ही नहीं शिल्पा शेट्टी ने कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं मालदीव्स आइलैंड के। ये वीडियोस और फोटोज देखकर हमें ऐसा तो लग रहा है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत ही अच्छे से बनाई है। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड की 6th बड़ी हाईलाइट के बारे में जो है अक्षय कुमार ने हाल ही में ट्वीट किया था अपनी अगली पिक्चर मिशन मंगल के बारे में जो रिलीज होने वाली है 15 अगस्त को। पर ये फिल्म का कुछ भी स्टार्ट होने से पहले ही इस पिक्चर पे पड़ चुकी है रोक। जी हाँ, US बेस्ड फिल्म मेकर राधा भारद्वाज ने इस फिल्म पर एक लॉसूट फाइल किया है ये कहते हुए कि ये पिक्चर की स्क्रिप्ट उनकी है। और साथ ही साथ उन्होंने अतुल कसबेकर पे ये भी इल्जाम लगाया कि अतुल कसबेकर ने उनका स्क्रीन प्ले शेयर किया है विद्या बालन के साथ बिना उनका अप्रूवल लिए। इस पिक्चर में अक्षय कुमार के साथ साथ हैं सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, तापसी पन्नू, शर्मन जोशी, कीर्ति कुलहरी और निथिया मेनन। और रिपोर्ट की ये माने तो भारद्वाज ने ये इल्जाम लगाया है कि उनके ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की कॉपीराइट के साथ छेड़छाड़ किया गया है जो उन्होंने शेयर किया था कसबेकर के साथ 2016 में और कहा है कि कसबेकर ने अब वो शेयर किया है अपने स्टूडियो एलिप्सिस एंटरटेनमेंट में विद्या बालन के साथ जो अब उस पिक्चर में काम भी करेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड की 5वीं बड़ी हाईलाइट की ओर। इस साल की अभी तक की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वेडिंग दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का रिसेप्शन हो चुका है बेंगलुरु में होटल लीला पैलेस में। इस पार्टी में आए थे उनके कुछ दोस्त और फैमिली मेंबर्स और स्पोर्ट्स स्टार्स और सेलिब्रिटीज में। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की रिसेप्शन पार्टी में हमें दिखाई दिए पीवी सिंधु, शूटर अभिनव बिंद्रा, फॉर्मर क्रिकेटर अनिल कुंबले, बिजनेस पर्सन नंदन निलेकानी और किरण मजुमदार शॉ। और इन दोनों की शादी के और दो रिसेप्शन होने वाले हैं 28 नवंबर और 1 दिसंबर को मुंबई में, जिसमें आप लोगों को बॉलीवुड के बड़े हसीन सितारे देखने मिलेंगे जैसे कि शाहरुख खान, संजय लीला बंसाली और फराह खान भी। फिलहाल के लिए इन दोनों के बेंगलुरु रिसेप्शन की फोटोज हर जगह ऑनलाइन पर छा गए हैं। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं किस तरह से पादुकोण परिवार बहुत ही ज्यादा खुश है। प्रकाश पादुकोण और उनकी बीवी उजाला पादुकोण और दीपिका की बहन अनीशा भी बहुत सारी पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। और अगर रिपोर्ट की माने तो इनकी शादी में वेलकम किया गया गेस्ट का कोकोनट वाटर और लेमोनेड से और इनके रिसेप्शन मेन्यू में एक नहीं बल्कि कई क्यूजिन्स थी जैसे कि चाइनीज, थाई, साउथ इंडियन, इटालियन और वियतनामीज। अब बात करते हैं बॉलीवुड की 4th बड़ी हाईलाइट के बारे में। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फेरी टेल वेडिंग के बाद अब बॉलीवुड तैयार हो रहा है प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग के लिए। इन दोनों की शादी की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चालू हो चुकी है। माना जाता है ये दोनों शादी करने वाले हैं जोधपुर में उमेद भवन पैलेस में। इन दोनों की शादी क्रिश्चियन और हिंदू दोनों ही रिचुअल्स के हिसाब से होंगी। और अब हम आपको ये बात बता दें कि हर जगह सोशल मीडिया पर ये रूमर्स छाए हुआ है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लास्ट देखा गया था अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी में। अब हम सब ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि क्या नरेंद्र मोदी, निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की भी शादी में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं बॉलीवुड की 3rd big highlight की ओर। रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर पिक्चर 2
2.0 जल्द ही रिलीज होने वाली है और ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा तेजी से गति पकड़ चुकी है सक्सेस की ओर। हर इंसान इस पिक्चर का ट्रेलर तो बहुत ही ज्यादा पसंद कर ही रहा है, पर साथ ही साथ इस पिक्चर का रिलीज होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को मिले हैं स्क्रीन 6600 से 6800 तक इंडिया में। और मैं आपको बता दूं, इस पिक्चर ने बीट कर दिया है बाहुबली 2 का रिकॉर्ड जो था 6500 स्क्रीन अप्रोक्सीमेटली। तो हम ये कह सकते हैं ये पिक्चर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टार्ट के साथ चालू होने वाली है। और सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म को हाल ही में क्लियर किया है UA सर्टिफिकेट देकर और अप्रूव किया है रन टाइम 2 hours and 28 minutes का। रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि इस पिक्चर को मिलेंगे अराउंड 32,000 to 33,000 शोज। जो ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अपना डिसीजन जस्टिफाई किया है जो था कि 20 कट्स अपकमिंग पिक्चर रंगीला राजा में। इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है और लिखा है CBFC के फॉर्मर चेयरमैन पहलाज निहालानी ने। और हाल ही में पहलाज निहालानी ने हाई कोर्ट में अपील किया था कि इनके जो फिल्म में कट हुए है वो इलॉजिकल और मीनिंगलेस है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पहलाज निहालानी जाने जाते थे अपनी ब्रूटली सेंसरिंग के बारे में जो वो करते थे अपने टेन्योर की और CBFC में। और अब उन्हें हाल ही में अगस्त 2017 को इस पोजीशन से निकाला गया था। CBFC ने अपने जवाब में ये कहा है कि ये फिल्म मेल लीड को मिसोजिनी में ग्लोरीफाई करता है और साथ ही साथ ये फिल्म बच्चों को गलत एग्जांपल देता है। और साथ ही साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में गोविंदा ने ये भी कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो उनकी फिल्म रिलीज नहीं होना देना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी बॉलीवुड की सबसे बड़ी नंबर 1 हाईलाइट के बारे में, जो ये है कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि #MeToo का सिलसिला अभी तक बॉलीवुड में जारी है। और अब इसी सिलसिले में एक FIR रजिस्टर हो चुकी है कास्टिंग डायरेक्टर विकी सिदाना के खिलाफ। वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने रजिस्टर की है ये FIR बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर विकी सिदाना के खिलाफ। ये कम्प्लेन वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने एक एक्ट्रेस ने की है पिछले ही महीने। और विकी सिदाना पे 2 ओकेजन्स पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है। और वो एक्ट्रेस ने अपने स्टेटमेंट के दौरान ये कहा है कि 2013 में वो सिदाना से मिली एक फिल्म की ऑडिशंस के लिए और उन्होंने उन्हें सेक्सुअली हैरेस्ट किया। और अब हमें ये पता चला है कि सिदाना के लॉयर यानी कि श्रेयस मिथारे ने ये कहा है कि उन्होंने डिफेमेशन केस फाइल किया है उस एक्ट्रेस के खिलाफ। तो इसी के साथ हमारी बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरों का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। और बॉलीवुड की ऐसी खबरों के लिए फंडू कंटेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।